नमस्कार दोस्तों, मैं आकाश, आपका स्वागत है दीक्षा डी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। देखो, आज हम लोग बात करेंगे जो RRB ग्रुप डी 2019 की नोटिफिकेशंस आई हैं, तो आपको क्या पोस्ट प्रेफरेंसेस देना चाहिए वो हम लोग देख लेंगे। तो देखो, हम लोग बात करते हैं ईस्टर्न रेलवे कोलकाता के, यहाँ पे बहुत सभी पोस्ट ऑलमोस्ट है, तो वो देख लो। तो सबसे पहले मैं सजेस्ट करूँगा, देखो अगर कैटेगरी वाइज देखो जॉब देखो प्रमोशंस तो उतने अच्छे हैं नहीं, डिपार्टमेंटल एग्जाम्स हैं, क्योंकि आप लास्ट पायदान लेवल वन में आप ज्वाइन कर रहे हो। देखो, जब जॉब नहीं होता है तो एक जॉब लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बाद आप दूसरे जॉब की प्रिपरेशन करोगे तो और अच्छा होगा। तो यहाँ पे तब भी जो है एटलीस्ट वर्क इन्वायरमेंट हो, थोड़ा बहुत प्रमोशन एस्पेक्ट हो, तो उसमें सबसे अगर अच्छा है आप अगर देखो तो दैट इज़ सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट। तो ये ज़रूर आप देना, सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट अच्छा है, ठीक है। उसके बाद अगर देखोगे तो इलेक्ट्रिकल जो है, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट, सभी जो इलेक्ट्रिकल है वो इलेक्ट्रिकल दे देना, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट दे देना, ठीक है। इलेक्ट्रिकल के बाद आप स्टोर दे सकते हो, उसके बाद आप मेडिकल दो, उसके बाद आप ट्रैफिक दो, ठीक है। तो ये आपका हो गया, ट्रैफिक आपकी हो गई, ठीक है। अब बचा इंजीनियरिंग, उसके बाद इंजीनियरिंग आप जो भी इंजीनियरिंग जॉब्स हैं वो आप इंजीनियरिंग वाला दे दो, ठीक है। उसके बाद आप मैकेनिकल वाला दे दो, नहीं तो इंजीनियरिंग में जो ये दो जो है ना ट्रैक ये वाला ये आप लास्ट में दो, ट्रैक मेंटेनेंस ग्रेड फोर, ये एकदम मैकेनिकल के लास्ट में ये वाला दे दो, ये दो पोस्ट, क्योंकि ये ट्रैक रिलेटेड जॉब्स आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। ये दो एकदम आप लास्ट में दे दो। तो मैं फिर से बोल देता हूँ, आप ज़रूर सबसे पहले सिग्नल एंड टेली कम्युनिकेशन देना, सबसे पहले सिग्नल एंड टेली कम्युनिकेशन आप दे देना, ठीक है, वो अच्छी है। उसके बाद अगर आप जैसे इंजीनियरिंग से पहले अगर कोई मेडिकल देना चाहते हैं तो मेडिकल भी दे सकते हो, हॉस्पिटल असिस्टेंट आपको मिलेगी। नहीं तो आप इलेक्ट्रिकल दे दो, इलेक्ट्रिकल के जो पोस्ट है जैसे एसी के वाला, ये सभी पोस्ट अच्छा है। उसके बाद लोको सेट ऑपरेशन वाला, ये दो पोस्ट इलेक्ट्रिकल का अच्छा है। ये इलेक्ट्रिकल का देने के बाद आप मेडिकल दो, उसके बाद आप इंजीनियरिंग जो है ये वाला दो, ये सबसे लास्ट में देना, 17 वाला सबसे लास्ट में देना, ट्रैक मेंटेनेंस वाला ये इंजीनियरिंग दो, असिस्टेंट ट्रैक मशीन वाला ये वाला दे दो। उसके बाद देखो आप इंजीनियरिंग ये ब्रिज वाला दे दो, उसके बाद मैकेनिकल आप दे दो, उसके बाद स्टोर्स आप दे दो एंड ट्रैफिक दे दो। तो ये आप ज़रूर भर देना इस हिसाब से, ठीक है। तो ये नॉर्मल सा मतलब वर्कलोड हिसाब से जो है ये मैं आपको बता रहा हूँ पोस्ट प्रेफरेंस, और थोड़ा बहुत प्रमोशंस भी आप देखोगे तो अच्छा खासा है, तो ये प्रेफरेंस ज़रूर दे देना, ठीक है। और फॉर्म भर दो जल्दी से जल्दी, वैकेंसीज बहुत ज़्यादा है। तो चलो, अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक शेयर करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।